पहले एक कहावत हम सुनते थे कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यही वाला हाल है यहाँ पर इस हाउस में कि जो डरता है वही ये चीज को अगेंस्ट में बोलता है। मुझे लगता है डर के कारण ये सब चीजें बाहर निकल रही है। बिकॉज लोकसभेत अपक्ष खासदार असलेल्या नवनीत राणा या नेहमीच विविध विषयांवर आपला आवाज उठवत असतात, कौतुकही करतात, जोरदार टीकाही करतात, कधी कधी आक्रमक होऊन चिडतात सुद्धा। आता आरोपींच्या ओळखीशी संबंधित असलेल्या क्रिमिनल प्रोसिजर बिल 2022 वर बोलताना नवनीत राणांनी लोकसभेत जोरदार टोमणे लगावले। ते टोमणे कोणासाठी होते पहा। जब से हम ये बिल पे चर्चा कर रहे हैं, इट इज अ वेरी स्मॉल चेंज। अभी तक जो क्रिमिनलों के साथ होता है या जो जिसके साथ ऐसा हुआ है उसके अगेंस्ट क्रिमिनल को सजा देने के लिए जो भी प्रोसीजर करी जाती है, सब बिखरी चीजों को एक जगह लाकर ये बिल में उतारा गया है। इसमें कोई नई चीज ये देश में करना, और आज हम बोलते हैं कि अब्रॉड के बड़ी बड़ी कंट्रियों के साथ हमने कम्पीट करना चाहिए, कॉम्पिटिशन करना चाहिए, उनके लेवल में आना चाहिए, तो इस चीज में क्यों लेवल में नहीं उतरना चाहिए? इस चीज के लिए भी उनके मुकाबले हमने खड़ा रहना चाहिए और क्रिमिनल को सजा होनी चाहिए। पहले एक कहावत हम सुनते थे कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यही वाला हाल है यहाँ पर इस हाउस में कि जो डरता है वही ये चीज को अगेंस्ट में बोलता है। मुझे लगता है डर के कारण ये सब चीजें बाहर निकल रही है। बिकॉज इन महुआ माई फ्रेंड शी स्पोक इन अ वेरी अग्रेसिव दिस थिंग, शी वॉज वेरी अगेंस्ट फॉर दिस बिल। पर मुझे लगता है अगर कुछ चीजें लोगों को न्याय देने के लिए ये देश में अगर काम करना चाहिए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आनी चाहिए, कुछ सख्ताई आनी चाहिए, तो हर नियम और कायदे में ये सख्ताई लानी बहुत जरूरी है, तब जाके क्राइम और क्रिमिनल्स हमारे देश में कम होंगे। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो कुछ करेगा नहीं उसे कुछ डर नहीं, तो मुझे लगता है जो नहीं कर रहा वो ये सब चीजों में फेवर में बात कर रहे हैं, और जहां जहां डर है उनके शब्द ऑटोमेटिक निकल रहे हैं। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी अगर नई चीजें लाएंगे नहीं तो देश आगे कहां बढ़ेगा नहीं। तो 70 ईयर्स से हम जहां पे थमे हैं वहां पे ही हम रुके थे। 370 लाए थे तब भी तकलीफ थी, और अगर एडवांस टेक्नोलॉजी लाते हैं, आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं, तब भी तकलीफ है। मुझे लगता है ऑपोजिशन को हर बात में इसके अगेंस्ट तकलीफ है, क्योंकि ये काम अच्छा कर रहे हैं, और हमारे होम मिनिस्टर हर चीज में सक्षम है, चाहे वो कश्मीर के मुद्दे को लेके हो या देश की सिक्योरिटी के मुद्दे को लेकर हो या सेना पे हमारे सैनिक लड़ते हैं उनके फेवर में बात की जाए। मेरे महाराष्ट्र कलीग के ज्यादा आवाज आती है महाराष्ट्र में, जिस तरीके से पुलिस हमारे जितने भी लोग कोई भी जुर्म नहीं करते हैं ऐसे निर्दोष लोगों पे कार्रवाइयां कर रहे हैं, वो उस पे बोलना हमें बहुत जरूरी है। आप मेरे भाई जैसे हो और महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं, आपने हमारी एक मैडम का नाम लिया, अधिकारियों का नाम लेना इस सभागृह में जिसकी ऑलरेडी कोर्ट में जुडिशरी काम कर रही है उस पे नाम लेना कुछ उचित नहीं है। आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 स्पीक्स अबाउट द ह्यूमैनिटी टू एक्यूज अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, एंड दिस बिल नो वेयर क्रिएट्स एविडेंस ऑफ अ पर्सन विच कैन बी यूज एज एविडेंस एज अगेंस्ट हिम, बट इट रिलेट्स रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन। द बिल कॉन्शियसली बॉट टू शैटर्ड प्रोग्रेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्यूज इन द एग्जिस्टिंग प्रोसीड्यूर existing the progress includes arrest which contains photographs. Article 21 of constitution speaks, I know I can do some mistake, speaks about expectation which says no person shall be deprived of his life of or liberty experts according to the established by the law and proposed bill is just fair, responsible and proper, which is perfectly maintained balance and right of privacy and maintenance of record of accused regarding this identification. And I would wholeheartedly support this bill and this government and the department, the way this department is working and हमारी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है देश में क्राइम खत्म करने के लिए काम कर रही है, ना कि क्राइम बढ़ाने के लिए काम कर रही है। थैंक यू सो मच।